ट्रेलर के बारे में, मैं अभी ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च से बाहर निकला हूँ फिल्म भागते रहो का, जिसके प्रोड्यूसर है सुनील तिवारी जी और हमारे मनीष भाई जी, और डायरेक्टर है प्रफुल भाई। स्टार कास्ट बहुत अच्छा है और ट्रेलर से पता चलता है कि गाने बहुत अच्छे बने हैं, आज के ज़माने के गाने हैं, यूथ के गाने हैं। हीरो हीरोइन बहुत यूथ और फ्रेश लग रहे हैं, और कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, म्यूज़िक भी है। मतलब ये है कि एक फिल्म का टोटल जो मसाला होता है वो पूरा इस फिल्म में है। फिल्म का नाम ही है भागते रहो। आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल ज़िंदगी में जितने टेंशन है उनको भूल कर, भागते रहो छोड़कर फिल्म देखने आओ। फिल्म का नाम है भागते रहो, और ये देखने के बाद में मुझे लगता है कि टेंशन कम हो जाएंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। मतलब मैं ये बोलूँगा कि मुझे तो लगा नहीं था कि क्राइम पेट्रोल करते करते मैं ऐसी कॉमेडी भी कर पाऊँगा। वहाँ क्या था, वहाँ चाकू से मर्डर करो, कभी गन से मार दो किसी को, कुछ करो। बट यहाँ मतलब सारा क्रेडिट मैं प्रफुल सर को देना चाहूँगा। प्रफुल सर ने, जो हमारे फिल्म का डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस तरीके से अपने एक्टर्स के साथ काम किया है कि मुझे तो आज तक फील नहीं हो रहा कि मैंने पूरी फिल्म कर ली। तो मतलब बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज वंडरफुल एंड आई लव ट्रैवलिंग। वी ट्रैवल्ड फॉर दिस मूवी एंड बस एक्चुअली प्रफुल सर की वजह से यू नो वी वर एबल टू डू दिस बिकॉज ही इज़ अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर। और एक डायरेक्टर अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाए और एक्टर समझ सके, आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन एक मूवी में कहीं नहीं हो सकता। No. So actually, I met Praful sir through somebody, and he called me after a week, telling me that there's a movie I am making. So would you like to be a part of it? I said why not. So I went for the audition, and we had a good conversation, and I was expecting a call, but I think Praful sir 4 महीने के लिए गायब हो गए थे, and as usual we actors get rejected a lot. So I thought that maybe you know. I didn't get the movie. So yeah, after 4 months he called me and he's like, can you come for the look test? I said, yes, I can come for the look test. Look test hua, uske ek hafte baad script padhi, baatcheet hui, and that's how I got the movie. Okay, aap dono se aakhri sawal, kya message dena chahenge audience se, kyun wo aaye aur bhagte raho ka hissa bane? Kyunki hum jo trailer dekhi ya baaki bhi audience dekhegi, kyun wo us film ka hissa bane? I think wo trailer dekhengi to wo definitely aana chahengi because isme ek se ek kalakar hain aur dog is actually an interesting part. So I'm pretty sure you all will be very curious to know that what is the story behind the dog, because actually a question which a bahut logon ne pucha hai, and the answer is you have to watch the movie to understand this, you know. Pure time maza aane wala hai, pure time aapko bahut entertainment hoga, means wo jo kehte hai na entertainment entertainment entertainment, pura paisa vasool bachcho se lekar ke bado tak, means jo bhi age group ke aaye sabko maza aane wala hai. Aap please aaiye theater mein. और ये सीरियसली बहुत एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर के, हमें भी और आपको भी मज़ा आएगा जब आप थिएटर में आए, तो प्लीज़ आइए और बहुत मज़े लीजिए। नहीं नहीं, ये सर का था कि इस फिल्म में एक मतलब एक पार्ट था इस फिल्म का जिसमें, बट वो गिटार तोड़ने का वो अभी हम वापस करने वाले हैं, मीन्स जो हम प्रमोशंस करेंगे उसमें गिटार वापस तोड़ेंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस इतना मज़ेदार है, इतना फनी है कि वो गिटार तोड़ने का मेरे को ना अभी वापस है मन। वो जो गिटार तोड़ना था उसके बाद जितना भी हमने सीक्वेंस देखा, वो बाल पकड़ना, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो कुछ प्लान नहीं था, मीन्स फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कुछ प्लान नहीं था, और सब ऐसे होता गया, सर्कमस्टांसेस ऐसे आते गए, करते गए, मज़ा आता गया, तो मतलब हमको भी मज़ा आया और आपको भी मज़ा आने वाला। Yeah, it's because of it's a comedy movie, so you get the stage, you can improvise, and you can have fun with the script. It is all about that. Thank you so much. Thanks a lot. Please, guy, please aaiye. नहीं नहीं, साफ सुथरी है ये। हाँ, चलने के लिए। और फिर चलने के लिए।
इतना बड़ा सैलरी देंगे आपको, इतना बड़ा आया लॉन्च के बाद फिर ये रिवॉल्वर है, कैसे आपने? नहीं नहीं, ये जो रिवॉल्वर की बात हुई है, मैं इसमें कॉमिक डॉन बना हूँ और ये जो रिवॉल्वर रखता है अपने लुंगी के अंदर छुपा के रखता है, मतलब पैंट तो पहनता नहीं है, लुंगी के अंदर छुपा के रखता है, यहाँ साइड में लगा के रखता है। तो जो भी जो मेरा डायलॉग था अभी, अब ये चाबी नहीं रिवॉल्वर है, वो कुछ ऐसा मत सोचना, वैसा नहीं है कुछ, रिवॉल्वर ही है वो, ऐसा करके मतलब ऐसा करके है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई छोटी या बड़ी नहीं रहती है, हर इंसान दिल से फिल्म बनाता है और हर एक का पिक्चर का कितना भी धंधा अच्छा होते रहता है, और बहुत ही कॉमेडी और एकदम क्लासी मूवी है। और आजकल के जीवन में सब काम में और जीवन जीने के लिए भागते रहते हैं, और भागते रहते हुए टाइटल से कुछ खुशी मिल रही है, हंसने को मिल रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो ऐसी मूवी फैमिली वाली नीट एंड क्लीन मूवीज बननी चाहिए, जो आज के दौर का सही में अच्छा फिल्म है और इनका ब्राइट फ्यूचर है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाकी ये फिल्म जो मैंने की है, मैं 9 साल तो आपने देखा ही हुआ FIR की है, 9 साल में कुछ कर ही नहीं पाया, मतलब 9 साल हमारे 25 दिन ब्लॉक होते थे वहाँ पे। अभी मैं थोड़ा चाह रहा हूँ, मैं मतलब इनका आशीर्वाद चाहिए लखानी जी का, जो मैं फिल्मों में भी थोड़ा बहुत अपना जमा हूँ, अभी कर रहा हूँ मैं फिल्म एक और कर रहा हूँ कृष्णा के साथ और एक खेर साहब के साथ है फिल्म वो भी, और बाकी 2 पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ अभी, उनकी शूटिंग अक्टूबर नवंबर में होगी क्योंकि ग्रीनरी चाहिए होती है वहाँ पे। बस यही है अभी, जरा फिल्मों में अभी जरा मज़ा आता है काम करके, कॉमेडी में सीरियस तो लेते नहीं लोग हमें, बाकी यही है मामला। देखा यार एक गाना बना, चलो अच्छा कुछ अलग बन गया, लेट्स जस्ट मेक सम मोर, दैट वाज द डायरेक्टर सेड। तो हम वही करते करते बस अच्छे गाने बनते चले गए। तो ये आप लोग डिसाइड करो, हम तो बेसिकली हम सब क्वेश्चन मार्क है, वी डू एवरीथिंग और लाइक जो भी हम सब लोग करते टर्न बाय टर्न, वट एवर कम्स कम्स, सो दैट्स वॉट वी डू, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ टीम वर्क आई थिंक, सो नोबडी रिवील्स द सीक्रेट्स। थैंक यू सो मच।